गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट वालों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। कल हमने आपको चैप्टर वन पढ़ाया था जिसका नाम था फजी विजी कैटरपिलर। हमने एक सूढ़ी के बारे में पढ़ा था और हमारे लेसन कंप्लीट भी हो गया था। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है हाउ द जिराफ गॉट ए लॉन्ग नेक। एक जिराफ की गर्दन कैसे लंबी होती है इस कहानी में हम यही जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट लाइन, ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले द जिराफ हैड ए शॉर्ट नेक। बहुत समय पहले जिराफ के पास एक छोटी गर्दन थी। वन डे, एक दिन, ही वॉज थ्रस्टी, वह बहुत प्यासा था। ही वेंट टू द रिवर टू ड्रिंक सम वाटर, वह नदी के पास कुछ पानी पीने के लिए गया। आ क्रोकोडायल लिव्ड इन दैट रिवर, एक घड़ियाल उस पानी में रहता था। ही सा द जिराफ, उसने जिराफ को देखा। द क्रोकोडायल थॉट, क्रोकोडायल ने सोचा, लेट मी फूल दिस जिराफ, चलो इस जिराफ को मूर्ख बनाते हैं। आई विल ईट हिम, मैं उसे खाऊंगा। हेलो जिराफ, सुनो जिराफ, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, सेड द क्रोकोडायल, क्रोकोडायल ने कहा। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, सेड द जिराफ, जिराफ ने कहा, आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ए लॉन्ग टाइम एगो द जिराफ हैड ए शॉर्ट नेक, बहुत समय की बात है, जिराफ के पास छोटी गर्दन थी। एक दिन वह बहुत प्यासा था और वह पानी पीने के लिए नदी के पास गया। उस नदी में एक घड़ियाल रहता था, उसने देखा जिराफ को और सोचा, चलो इसे मूर्ख बनाते हैं। उसने उसे खाने के लिए कहा। हेलो जिराफ, सुनो जिराफ, कैसे हो, क्रोकोडायल ने जिराफ से पूछा, कैसे हो। जिराफ कहता है, मैं ठीक हूँ। द क्रोकोडायल बिगन टू एक्ट, जो घड़ियाल रहता है वो अपना कार्य शुरू करता है। आई हैव ए बैड टूथ एच, वो नाटक करता है, कहता है, मेरे दांतों में बहुत बुरे तरीके से दर्द हो रहा है, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। आस्क्ड द जिराफ, जिराफ पूछता है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। जो क्रोकोडायल रहता है वो अपना कार्य शुरू करता है, वो झूठ नाटक वैसे करता है, आई हैव, वो दांत दर्द होने का नाटक करता है। ये देखकर जिराफ उससे पूछता है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब क्रोकोडायल, जो घड़ियाल रहता है, वो बोलता है, हाँ, यस, प्लीज टेक आउट द बैड टूथ फ्रॉम माई माउथ, कृपया मेरे मुंह से मेरे जो बुरे दांत, देखो कैसे दर्द हो रहा, क्या है देखो, और उसे मेरे मुंह से निकालो। द जिराफ वेंट नियर द रिवर, जिराफ रहता है वो नदी के पास जाता है। ही पुट हिज हेड इन टू द क्रोकोडायल, और वह अपना सिर घड़ियाल के मुंह में रख देता है। देखिए, जो घड़ियाल रहता है, एक समय की बात है, जिराफ के पास छोटी गर्दन थी। एक दिन वह बहुत प्यासा था और वह नदी के पास कुछ पानी पीने के लिए जाता है। घड़ियाल उस पानी में रहता है, एक नदी रहता है, जिस नदी में वो जिराफ पानी पीने जाता है उसमें एक घड़ियाल रहता है, और वो घड़ियाल जिराफ को देखता है। क्रोकोडायल सोचता है, चलो इसे मूर्ख बनाते हैं और इसे खाने के लिए। हेलो, तब जिराफ क्या बोलता है, सुनो तुम कैसे हो, घड़ियाल जिराफ से पूछता है। जिराफ बोलता है, मैं ठीक हूँ। क्रोकोडायल अपना काम शुरू करता है, वो दांत दर्द होने का नाटक करता है। ये देखकर जिराफ पूछता है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तब घड़ियाल बोलता है, हाँ प्लीज़, हाँ मेरी कृपया मेरी मदद करो, मेरे मुंह में कुछ हो गया है जिससे मेरा दांत दर्द हो रहा है, देखो क्या है और उसको मेरे मुंह से बाहर निकालो। द जिराफ वेंट नियर द रिवर,
जिराफ नदी के पास जाता है और अपना सर उस क्रोकोडाइल उस घड़ियाल के मुंह में रख देता है। द क्रोकोडाइल शट हिज माउथ, घड़ियाल अपना मुंह बंद कर लेता है। द जिराफ वॉज कट, और जिराफ को काट रहा होता है। जब जिराफ अपना सर घड़ियाल के मुंह में रखता है तो जो घड़ियाल रहता है वो क्या करता है, तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है और उसका सर तेज से दबाता है, काटने की कोशिश करता है। ही पुल्ड एंड पुल्ड, जिराफ उस परेशानी से निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है। वो बार बार अपना सर बाहर की तरफ खींचता है और जो घड़ियाल रहता है वो उसको दांत से अपने दबाए रहता है। हिज हेड फाइनली कम आउट, जिराफ का जो सर रहता है वो बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। अंत में क्या होता है, उसका सर बाहर निकलता है। द जिराफ लुक्ड वेरी फनी, जिराफ जो है देखने में बहुत मजाकिया टाइप का लगता है। हिज नेक हैड बिकम वेरी लॉन्ग, उसका जो गला रहता है वो बहुत लंबा हो जाता है। दिस इज हाउ, ये कैसे, द जिराफ गॉट ए लॉन्ग नेक, ये कैसे हो गया जिराफ की गर्दन लंबी। क्रोकोडाइल उसका गला दबाए रहता है। फिर क्या होता है, जिराफ उसको बार बार निकालने की कोशिश करता रहता है लेकिन नहीं निकाल पाता है। लेकिन अंत में क्या होता है, उसके बहुत कोशिश करने के बाद उसका सिर निकलता तो है लेकिन वो देखने में इतना, उसको देखने में इतनी हंसी लगती है। हंसी इसलिए लगती है क्योंकि उसका जो गला था पहले तो छोटा था, लेकिन जब घड़ियाल उसको अपने मुँह में रख के काटता है और वो उसको निकालने की कोशिश करता है, ऐसे में क्या होता है, उसका जो गला रहता है वो बहुत लंबा हो जाता है। ये देखकर बहुत हंसी लगती है। दिस इज हाउ, ये कैसे हो गया, मतलब जिराफ की गर्दन कैसे लंबी हो गई। हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और कल हम आपको इसका वर्ड मीनिंग लिखाएंगे और क्वेश्चन आंसर।